प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालनगर तीसरा बस स्टॉप के पास ड्रीम हेल्थ और मसाज सेंटर में चल रहे देह व्यापार अड्डे पर छापा मारा है। यहां से दयाल दास लहरे चंदन नगर निवासी को गिरफ्तार किया गया। अड्डे से एक युवती को छुड़ाया गया है और एक नाबालिग लड़की को भी यहां से छुड़ाए जाने की खबर है। पुलिस के अनुसार गोपालनगर में उक्त मसाज सेंटर में देह व्यापार अड्डा शुरू होने की गुप्त जानकारी मिलने पर प्रतापनगर थाने की पुलिस निरीक्षक विद्या जाधव ने सहयोगियों के साथ छापेमारी की। पुलिस ने एक पंटर नकली ग्राहक को भेजा। यहां पर आरोपी दयाल दास ऑनलाइन बुकिंग करता था। पंटर ने दयाल दास से बात की, उसने एक युवती के बारे में बताया। दयाल दास ने 2000 रुपए में बातचीत की। इस रकम में से 500 रुपए युवतियों को दिए जाते थे, बाकी रकम दयाल दास खुद रखता था। पंटर ने मसाज सेंटर में जाने के बाद मौका पाकर पुलिस को संदेश भेज दिया। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी दलाल दयाल दास को गिरफ्तार किया। कल दिनांक 6/5/2021 को डीसीपी श्री नूरुल हुसैन सर जोन डीसीपी इनको इन्फॉर्मेशन दिया कि गोपाल नगर तीसरा बस स्टॉप यहाँ पर मसाज एक्यूप्रेशर के फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर कुछ मसाज का ये चलता है, उसमें देह व्यापार चल रहा है। यह खबर से डीसीपी साहब ने हमें कार्रवाई की आदेश दिए। उस मुताबिक हमारे आके महिला पुलिस निरीक्षक श्रीमती विद्या यादव, इन्होंने अपने स्टाफ के साथ में जाके वहाँ पर रेड किया, तो वहाँ पर एक पीड़ित महिला मिली। उसमें आरोपी नाम है दयाल दास लहरे और उनके दो महिला साथीदारी भी मिले। उसमें से एक महिला फरार हो गई, दोनों को अरेस्ट किया गया है। उनके पास से 3 मोबाइल और 30,000 समथिंग रिकॉर्ड उसमें जब्त किया गया है। इसमें महिला की सुटका करके उनको महिला सुधार गृह में रखा गया है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अड्डे से एक युवती व नाबालिग को छुड़ाया गया। आरोपी दयाल दास पर प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही की गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।